जिंदाबाद मारपीट के मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही न होने को लेकर एसएसपी को दिया शिकायती पत्र। आपको बता दें कि कटघर थाना क्षेत्र निवासी यामी ने ग्रामीणों के साथ एकत्रित होकर सिविल लाइन स्थित एसएसपी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र आरोपियों के खिलाफ दर्ज कराया है। दर्ज शिकायती पत्र में आरोप है कि बीती 18 अक्टूबर को गांव में एक साइकिल चलाने का कार्यक्रम चल रहा था, जहां पर पीड़ित यामीन का पुत्र नदीम भी मौजूद था। तभी वहां पर मौजूद राशिद, सलमान, तारिक, इंतजार, आसिफ, शाकिर, मुस्तकिम निवासी देवापुरा से कहा सुनी हो गई। किसी तरह से उस टाइम तो मामला शांत हो गया। आरोपी की सभी आरोपियों ने हाथों में लाठी, डंडे एवं लोहे की रोड लेकर घर में घुसकर नदीम के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट में नदीम गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से हालत नाजुक देखते हुए उसे मेरठ रेफर कर दिया गया, जहां नदीम की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। इस संबंध में सभी आरोपियों के खिलाफ नाम दर्ज रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्यवाही न करते हुए उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, पीड़ित ने पुलिस पर भी लापरवाही बरतने के कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, पीड़ित परिवार का यह भी आरोप है कि आरोपी पक्ष पीड़ित परिवार पर लगातार फैसले का दबाव बना रहा है, जिसको लेकर एसएसपी को शिकायती पत्र देते हुए दोषियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही एवं विवेचना किसी अन्य थाने में कराए जाने की मांग उठाई गई है। इस मामले में जानकारी देते हुए बीडीसी सदस्य अयूब ने बताया कि मुशाहिद जी, आप कहाँ से आए हैं? क्या समस्या? क्या समस्या? समस्या ये कि सर, ये धोबी वाली में रखते हैं यामी साहब, इनका लड़का है। वो साइकिल का प्रोग्राम चल रहा था, वो देख रहा था कुछ कैंसुनी के बीच कुछ लोग दूसरे गांव के थे, वहाँ पर जो घोसी तो उनसे कुछ कैंसुनी हो गई। उन्हें समझा के घर भेज दिया, इनका लड़का अपने घर चला गया। इनके घर जाके उन लड़कों ने तीन चार लड़के थे, और उनके घर जाके उसकी पिटाई गई। तमंचे के बल पे पहुंचे वो, मारपीट की है जी, उसकी आँख में चोट आई, आँख खुले बाहर है, डॉक्टर अजय जिनके यहाँ भर्ती है। कितने लोगों ने मारपीट की है? ये लोग सब 7-8 लोग ही। कब की घटना है ये? घटना 18 तारीख की है साहब। कोई रिपोर्ट दर्ज कराई आप? जी कराई, नाम दर्ज रिपोर्ट है जी। कोई कार्रवाई हुई? अभी पुलिस नहीं जा रही है, वैसे कार्रवाई कर दी है, मुकदमे लग गए हैं तो ये है तेरी। कोई गिरफ्तारी हुई? कोई गिरफ्तारी नहीं हुई सर। आप क्या चाहते हो? गिरफ्तारी चाहते हैं सर। कटघर थाने का मामला है, आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं है, इसको लेकर आज अधिकारी से मिले हैं जी। कौन से अधिकारी से मिले हैं? कप्तान साहब के पास को आए थे। क्या चाहते हैं आप इसमें? इसमें ये चाहते हैं कार्यवाही, तुरंत गिरफ्तार हूँ। ठीक है। अयूब की एक घटना हुई है आपके गांव में, क्या घटना हुई है? हमारे घटना गाँव में साइकिल चल रही है जी, आपसा लड़ाई खड़ा कर लिया। किन लोगों ने करा? घोष है। अच्छा, कितने लोग थे? करीब 8-7 चले। फिर क्या हुआ झगड़े के बाद? झगड़े के बाद रास्ता हो गया, मतलब समझा भेज दिया, फिर घर पे जाकर झगड़ा कर लिया। अच्छा, उन्हीं लोगों ने करी उसकी आँख निकल गई लड़के। किसकी, क्या नाम है उसका? नदीम नाम है, यामी का लड़का। नदीम के साथ मारपीट की है? नदीम के साथ मारपीट। कितने लोगों ने? 7-8 आदमी। रिपोर्ट दर्ज कराई आपने? रिपोर्ट दर्ज करा दी। कितने लोगों के खिलाफ? 7 के। कब का मामला है ये? 8 तारीख का। इसमें कोई गिरफ्तारी हुई? कोई गिरफ्तारी नहीं, अभी कोई पुलिस नहीं। आज किससे मिले थे आप? आज एसएसपी साहब से मिले थे। क्या मांग करी आपने? क्या चाहते हो आप? हम तो चाहते हैं गिरफ्तारी हो जाए साहब। तो नामजद लोग हैं, उनकी गिरफ्तारी? हाँ, नामजद लोगों की गिरफ्तारी चाहते। ठीक, बस।